ये एक एक्स्ट्रा रूम है, तुम इसे भी यूज कर सकती हो। okay. और वहाँ अंदर अलमीरा में एक लॉकर है, अगर कोई भी कीमती सामान रखना हो तो यू कैन यूज इट। बस इस दरवाजे के लॉक में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी ये सारा जितना भी सामान है ये सारा का सारा सामान हम बता देंगे। अरे हो तो गया। नहीं नहीं, तुमने इसको बंद क्यों किया? मैंने वहां पे स्टॉपर लगाया था, तुमने इसे बंद क्यों किया? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। समझ बस काम ना, एक मिनट, समझ टूट जाएगा, अच्छा खुल जाएगा, हम निकल जाएंगे बाहर, कोई बात नहीं, एक मिनट। मेरा फोन भी बाहर है, खोलो। समझ तुम भी सब मंदिर में गए। समझ काम ना, समझ एक मिनट, आराम से काम ना, समझ डीप ब्रीदिंग, समझ टूट जाएगा। मेरी गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लाइट नहीं, ऊपर से दरवाजे भी बंद है, क्या करूं मैं, खुल जाएगा, समझ से रिलैक्स रिलैक्स। क्लोज है मेरा फोन, गिव मी योर फोन, गिव मी योर फोन। नहीं है मेरे पास, बैग में, बैग बाहर है। आई एम डोंट इट डैम इट, समझ काम डाउन, एक मिनट, खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा, मैं आई एम डूइंग समथिंग, प्लीज जस्ट काम डाउन। गॉड, क्या करूं, समर समर रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके। बटन क्यों खोले तुम्हारे? समर सुना ना, अब समझ में आया, तुम जान मुश्किल है, तुम्हें क्या लगता है भगवान ने सारा दिमाग सिर्फ तुम्हें ही दिया है? तुम फायदा उठाना चाहते हो ना मेरा? क्या, हाँ क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ मैं क्या बोले जा रही हूँ? तुम ये मेरे का नाटक, ये दरवाजा, ये भी तुमने ही लॉक करवाया होगा, और घर में तो कोई है नहीं, यू प्लान ऑल दिस, अब भी समझ में आई? बकवास बंद करो अपनी, समझे ना, जो मन में आया बोले जा रही हो। मैं तुम्हें क्या ऐसा वैसा लड़का लगता हूँ? तुम जैसे लड़कों को अच्छे नहीं जानती हूँ मैं, तुम लगता है लड़कियों का फायदा उठा सकते हो, है ना? लल्लन डॉग को उनको भी तुमने ही भेजा, जानबूझ के भेजा तुमने। जानबूझ के क्यों भेजूंगा, तुम्हें घर देखना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। यू नो व्हाट, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी, आई एम गोना पुट यू बिहाइंड बार, आई एम तुम्हारे परिवार को सबको बताऊंगी, तुमने तो बड़ी हरकत की है ना। जस्ट इनफ, बताऊंगा तो मैं उन्हें कि हमने कैसी लड़की को सेलेक्ट किया है, हां, और तुम्हें कितना बड़ा काम दिया हमने। यू जस्ट वेट, आ गए। समर आप जानते हो ना मुझे? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हुआ क्या? आप अभी इस लड़की का कॉन्टेक्ट कैंसिल करो। तो क्या बोल रहा है समर, बात क्या है? मैं बताऊँ या तुम बताओगी? क्या? मैं ही बताता हूँ माँ, मैंने इसे घर दिखाने आया था और ये अजीब अजीब सी बातें कर रही है। तू शांत हो जा पहले, ठीक है, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ बेटा जया? कुछ नहीं आंटी, वो अंदर कमरे में अंधेरा था तो? समर मैं बात कर रही हूँ ना, और वो दरवाजा शायद बाहर से लॉक हो गया, पता नहीं, और मैंने महसूस किया कि इनको शायद बंद कमरों और अंधेरे से घबराहट होती है। तो तुम्हें उससे क्या है? समर तो आंटी, वो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि अगर किसी को ऐसे कोई डर लगता है ना तो उससे उनका ध्यान भटकाना चाहिए, बस इसीलिए मैं वो सारी बातें कर रही थी ताकि आपका ध्यान भटक जाए और आप अपना डर भूल जाए। भूल गए थे ना? वो एक्चुअली क्या है ना आंटी, मम्मा ने मुझे बताया था कि जिसका डर जितना बड़ा होता है ना उसे उतना ही बड़ा शौक देना पड़ता है, तो इसीलिए आई एम रियली सॉरी समर जी। वो जया सच में इसका यह डर बहुत बड़ा है, थैंक यू तुमने इसकी हेल्प की। चल मैं तुझे चाय पिलाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, वो मैं लेट हो रही हूँ। अरे चल ना, कल सुबह आना ही आना है ना? नहीं आना है मतलब, लेकिन जब तक ये लाइट्स और दरवाजा ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ नहीं जाओगी, और स्पेशली मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जी चलती हूँ आंटी, कल सुबह हल्दी के लिए तैयार मिलेगा। बाय बाय। हेलो, हाँ मामा, बस निकल ही रही हूँ। आपको पता है आज आपकी भी सिखाई हुई बात ना बहुत काम है। क्या हुआ? माया यहाँ सीनरी अच्छी लगेगी ना? अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बता, तू कितनी देर बंद था अंदर? मैं काफी देर,
अच्छा काफी है ना कितनी देर? बहुत देर था माँ। अच्छा मुझे एक बात बता, उसने ऐसे क्या कह दिया तुझे कि तेरा ध्यान भटक गया? अरे माँ मत ही पूछो,